हेलो फेलो राइडर्स, वेलकम टू साकार्ड। आज साकार्ड की विंटर में नया हेलमेट आया है जो कि है थंडर 3, मतलब अपग्रेडेड वर्जन, जो MT का हेलमेट है। थंडर 4 भी आता है और ये थंडर 3 मॉडल है। इन्होंने थंडर 3 की MRP बहुत कम कर दी है, उसके बजट के हिसाब से बहुत कुछ दे दिया है, मतलब MRP बहुत बढ़िया कर दी है। एक्चुअली इसका रीज़न मेरे हिसाब से ये क्योंकि ये अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, मतलब बाकी आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर बता दिए जो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कलर इसमें अवेलेबल हैं। साइज़ बहुत लिमिटेड है, कलर बहुत लिमिटेड है, तो आप देख लेना जैसा भी साइज़ और कलर आपको चाहिए हो। सबसे पहला डेकोर है हमारे पास ये। सारे के सारे जो मॉडल हैं उनके डेकोर का नाम है डैमर, बस कलर में फ़र्क है। पहला हमारे पास कलर वेरियंट ये है, दूसरा हमारे पास ये है, और थर्ड वन हमारे पास ये है डेमर में, और जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा ये। अभी हमने इसका स्पॉइलर नहीं लगाया, इसका स्पॉइलर ये रहा। ये नट स्क्रू से टाइट होता है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह लगेगा। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, तो ये जो है ये हमारा डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस बाय MT का हेलमेट है। ये हमारा ड्यूल वाइजर में आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डबल वाइजर है। एक अंदर सनग्लास वाइज सन वाइजर आता है और बाहर एक आउटर वाइजर आता है। यहाँ पे इसका मैन्यूवर है इसको करने का, चलाने का। कभी भी इंटरनल वाइजर हाथ से नहीं करना चाहिए, हमेशा हैंड से करना चाहिए, उसके मैकेनिज्म से मैन्यूवर से ही करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हमारे को ब्रेथ डिफ्लेक्टर मिल जाता है देखने को, ये ब्रेड डिफ्लेक्टर है। पिन लॉक रेडी वाइजर है, पर इसमें एंटी फॉग शीट इंस्टॉल नहीं आती, वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। हम इसके इनवेंट देखें तो इसमें हमारे पास दो इनवेंट है जहाँ से हवा अंदर आएगी, और पीछे की तरफ स्पॉइलर के नीचे आउटवेंट है जहाँ से वापस जाएगा, तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी अंदर की बात करें तो हमें चिन कर्टन देखने को मिल जाता है। चिन कर्टन से नॉइज़ रिडक्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं कुछ तो नॉइज़ रिडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। पैडिंग इन्होंने सुपर्ब कर दी है, पैडिंग बहुत अच्छी है, आप देख ही सकते हैं। पैडिंग को अच्छे से दिखा दें, पैडिंग बहुत अच्छी है। बाकी इसमें हमें डबल डी रिंग नहीं, हमें क्विक रैचेट मिलता है। ये हमारा क्विक रैचेट ब्लॉक है जो कि एक बिगनर राइडर के लिए काफ़ी अच्छा है क्विक रैचेट होना, क्योंकि क्या होता है कि डबल डी रिंग कई लोगों को बंद नहीं करना आता है, प्रॉब्लम लगती है तो उसको खुला ही छोड़ देता है। तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट वो जो है हेलमेट हमारा उतर भी सकता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से क्विक रैचेट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब डबल डीरिंग से क्विक रैचेट होना मेरे को ज़्यादा सुटेबल लगता है, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी इसके वाइज़र की बात करें तो ये 2.2 mm थिकनेस में आता है। ये जो वाइज़र है 2.2 mm थिकनेस में है। बाकी ये एंटी स्क्रैच है, इस पर स्क्रैचिंग लगते हैं। इसमें कुछ कोटिंग होती है पॉलीसिलिकॉन की, जिससे इसमें स्क्रैचेस से बचाव होता है। और इसका इसकी जो व्यू है, फील्ड व्यू जो हमारा व्यू है, मतलब एक हेलमेट के अंदर व्यू, वो बहुत अच्छा है कि मतलब हमारा आई साइड व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। और इस चीज़ के ऊपर मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा। और बाकी इसमें विंड ब्लास्ट नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, विंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाई राइड्स के अराउंड भी इसमें नॉइज़ आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। और इसका जो वेट है वो है 1650 + 50, मतलब 1650 ग्राम्स का वेट है, पर पकड़ने में काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। इनका जो स्पॉइलर है इन्होंने कुछ अलग चीज़ प्रेजेंट करी है। इनके स्पॉइलर को हम अब कहते हैं ड्रैग रेजिस्टेंस सिस्टम, DRS करके इन्होंने नाम दिया है। ये स्पॉइलर नहीं, ड्रैग रेजिस्टेंस सिस्टम करके इन्होंने दिया है। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली इन्होंने स्पॉइलर को अपने ऐसे डिज़ाइन किया और ऐसे प्लेस किया जिससे हमारी जो विंड है एरोडायनामिकली जाए तो हमारे फेस पे ड्रैग नहीं आए हाई स्पीड पे। ड्रैग मतलब हमारे को विंड से हमारा फेस पीछे की तरफ पुश ना हो, तो इन्होंने उस हिसाब से जो है स्पॉइलर को बनाया है, स्पॉइलर को डिज़ाइन किया है। इसका नाम रखा गया है DRS, ड्रैग रेजिस्टेंस सिस्टम। और इसी स्पॉइलर की वजह से हमारा जो फेस पे वेंटिलेशन का सिस्टम है वो और अच्छा हो जाता है, वो और बेहतरीन हो जाता है। ये भी इन्होंने एक चीज़ करी है। अच्छा, एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट इसमें इन्होंने ऐड ऑन करी है, इन्होंने ये आप देख सकते हैं, दिखा दे, इन्होंने अपनी पैडिंग इस हिसाब से बनाई है कि आप ग्लासेस इजीली डाल और निकाल सकते हैं। जो ग्लासेस के साथ राइडिंग करते हैं, जैसे जिनका नंबर लगा हुआ है, ग्लासेस पहनते हैं, उनके लिए बहुत परफेक्ट है कि इन्होंने ग्लासेस के साथ कर रखा है। ये हेलमेट सारे ड्यूल शेल में है। ड्यूल शेल का मतलब ये होता है स्मॉल और मीडियम का एक शेल होता है,
और लार्ज और एक्सेल का एक्सेल होता है, बस पैडिंग का फर्क होता है, पैडिंग चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया। बाकी इसका जो अंदर का जो बिल्ड है वो ईपीएस से है। ईपीएस जो हमारा होता है, एक सेकेंड, उसकी फुल फॉर्म मैं भूल गया, एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन होता है। एक्सपैंडेड ये नॉर्मल थर्मोकॉल का नहीं बना होता है, एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन का बना होता है, ईपीएस का बना होता है, अंदर का जो इसका अंदर का थर्मोकॉल ही कह लो जो भी होता है। और वो क्या होता है, वो ना क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वो उसका अब्जॉर्प्शन लेवल नॉर्मल थर्मोकॉल से कई फोल्ड ज़्यादा अच्छा होता है। जब वो इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कर सकता है इम्पैक्ट का, हमारे स्कल्प तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी हद तक इम्पैक्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब अगर कुछ टक्कर लगती है तो जो जिस जोर से टक्कर लगेगी वो कम होते होते हमारे हेड तक बहुत कम होके आएगी, बहुत कम, क्योंकि इसमें ईपीएस है। यूजली अब सारे अच्छे हेलमेटों में ईपीएस ही आ रहा है। बाकी जो इसका शेल है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, इसका शेल जो है वो बहुत अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। पॉलीकार्बोनेट अभी तक के लिए बेस्ट है, कार्बन से थोड़ा नीचे, पॉलीकार्बोनेट इज अ वेरी बेस्ट चॉइस फॉर मेकिंग द हेलमेट। बहुत अच्छा होता है पॉलीकार्बोनेट का, इसमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और इसका जो एक्सीडेंट या एक फोर्स झेलने का पॉलीकार्बोनेट का बहुत अच्छा होता है, इम्पैक्ट बहुत अच्छे से झेल जाता है, उसको वाइडली स्प्रेड भी कर पाते हैं क्योंकि वाइब्रेशन होती है पॉलीकार्बोनेट में, वो वाइब्रेशन जो होती है एटॉमिक वाइब्रेशन वो स्प्रेड कर देती है हमारी सारी प्रेशर को अलग अलग जगह पे, ताकि इम्पैक्ट सीधा स्कल पे ना आए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें चार सर्टिफिकेशन मिलती है हमारे को। फर्स्ट इज ISI 2015, सेकेंड इज डॉट, थर्ड इज ECE 22.05, अब 22.06 भी आ गया जो कॉडा में मिलता है, बट इसमें भी 22.05 है। 5 और 6 में सिर्फ इंटरनल पैडिंग की टेस्टिंग का नहीं होता, जो पैडिंग होती है उसकी टेस्टिंग का नहीं होता, तो 22.06 में पैडिंग भी टेस्ट हो गया है। एंड जो सबसे ऊपर इसकी आई है ये शार्प रेटिंग का है, शार्प में टोटल 5 स्टार की रेटिंग होती है, ये 4 स्टार रेटिंग में आ रहा है, शार्प 4 स्टार रेटिंग है, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जैसे हमारे में हम ISI को इतना ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, ISI मतलब ठीक है यार, ISI है जरूरी, बट हमें जब ECE दिखता है तो हम कहते हैं कि वाह यार अब ये हेलमेट हमें लग रहा है सेफ है। तो वैसे ही हम US के जो लोग होते हैं, UK के जो लोग होते हैं, जब वो शार्प रेटिंग देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ यार ये है मतलब एक नेक्स्ट लेवल की सेफ्टी वाली चीज़। आप समझ रहे हैं ना, जैसे ECE या डॉट उनके लिए कॉमन होता है, जब वो शार्प देखते हैं तो उनको लगता है कि मतलब ये नेक्स्ट है। तो इतनी हाई लेवल की इसमें सर्टिफिकेशन इंस्टॉल्ड है। शार्प में हर चीज़ टेस्ट होती है, उसकी पैडिंग, उसका एरोडायनामिक, उसका व्यू पॉइंट, उसका ब्लास्ट, सब कुछ। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ आ रहा है, मतलब शार्प 4 रेटिंग मेरे ख्याल से इंडियन हेलमेट के लिए फर्स्ट टाइम MTE लेके आया है, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग के साथ और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन हमें देने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखी जाए तो इसमें हमने सारी ही स्पेसिफिकेशन इसको कवर अप कर ली है, हमने सब कुछ इसमें बता ही दिया है। अब इसकी रेट की बात कर लें, ये सिर्फ इन्होंने 6800 का लॉन्च किया है। 6800 इज़ अ वेरी गुड प्राइस रेंज फॉर दिस मेनी सर्टिफिकेशन और इस सब चीज़ों के लिए 6800 में बहुत सही है। आप ये प्रोडक्ट हमारी दुकान पे भी आके परचेज कर सकते हैं, जो कि करोलबाग नाईवाला में है, साकट हेलमेट एंड राइडिंग स्टोर, और या हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हम पूरी इंडिया में डिलीवरी करते हैं, हम कोशिश करते हैं 3 दिन में ही डिलीवरी हो जाए। थैंक यू सो मच।